नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेल पत्र के फायदे, बेल के फल के फायदे और बेल के पेड़ के फायदे। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको एक ऐसे औषधीय वृक्ष के बारे में बताने वाली हूँ जो कि भगवान शिव का ही रूप माना जाता है और जिसके गुणों के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से लिखा गया है। आज हम बात कर रहे हैं बेल के वृक्ष के बारे में और इसके औषधीय फायदों के बारे में। बेल, बिल या बेल पत्र भारत में होने वाला एक फल का पेड़ है। इसे रोगों को नष्ट करने की क्षमता के कारण बेल को बिल्व कहा गया है। इसका बॉटनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम है एग्ले मार्वेलोस और इसके अन्य नाम है सांडिल्यू, श्रीफल, सदाफल इत्यादि। बिल्व वृक्ष का धार्मिक महत्व है कारण कि ये महादेव का ही रूप है। धार्मिक परंपरा में ऐसी मान्यता है कि बिल्व के वृक्ष के मूल अर्थात जड़ में लिंग रूपी महादेव का वास रहता है, इसलिए बिल्व के मूल में महादेव का पूजन किया जाता है। इसकी मूल यानी जड़ को सींचा जाता है। धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि बिल्व के मूल में लिंग रूपी अविनाशी महादेव का पूजन जो पुण्यात्मा व्यक्ति करता है उसका कल्याण होता है। जो व्यक्ति शिव जी के ऊपर बिल्व मूल में जल चढ़ाता है उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा इसका औषधीय रूप में भी काफी महत्व है। बेल एक ऐसा पेड़ है जिसके हर हिस्से का इस्तेमाल सेहत बनाने और सौंदर्य निखारने के लिए किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसके कई फायदे का उल्लेख मिलता है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बेल के पेड़ के ऐसे ही कुछ जबरदस्त फायदे बता रही हूँ। इसके फल को वातसामक मानते हुए इसके ठाई गुण के कारण पाचन संस्थान के लिए इसे समर औषधि माना गया है। आयुर्वेद के अनेक औषधि गुणों एवं योगों में बेल का महत्व बताया गया है, परंतु एकक की बेल चूर्ण यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। चक्रदत्त बेल को पुरानी पेचीस, बवासीर आदि में बहुत ही लाभकारी माना जाता है। बंगसेन यानी भाव प्रकाश में भी इसे आंतों के रोगों में दीर्घ लाभकारी माना जाता है। इससे आंतों की कार्य क्षमता बढ़ती है, भूख सुधरती है और इंद्रियों को बल मिलता है। इसके अलावा बेल के फल का गुदा डिटर्जेंट का काम भी करता है। इससे आप कपड़े भी धो सकते हैं, ये कपड़े धोने के काम भी आता है। ये चूने के प्लास्टर के साथ मिक्स कराके लगाया जा सकता है जिससे वो वाटरप्रूफ हो जाता है, यानी जल अवरोधक का भी काम करता है। और इसमें मकान की दीवारों में सीमेंट में भी मिलाकर लगाया जा सकता है जिससे ये वाटरप्रूफ हो जाता है। इसके अलावा चित्रकार अपने जल रंगीय यानी वाटर कलर में भी बेल के गुदे को मिक्स करते थे जो कि चित्रों पर एक सुरक्षात्मक परत बन जाता था। बेल एक ऐसा पेड़ है जिसके हर हिस्से का इस्तेमाल आप सेहत बनाने में सौंदर्य को निखारने के लिए कर सकते हैं और आयुर्वेद में इसके कई फायदों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके फल की। इसका फल बेहद कठोर होता है लेकिन अंदर का हिस्सा मुलायम, गुदेदार और बीजों से युक्त होता है। बेल के फल का जीवन काल बहुत लंबा होता है। पेड़ से टूटने के कई दिनों बाद तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेल का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है, साथ ही ये कई सारी स्वादिष्ट व्यंजनों में भी बहुत ही अच्छी तरह से यूज होता है। बेल में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, थायमिन, राइबोफेलामिन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो ये अत्यंत पोषक भी होता है। आयुर्वेद में बेल को स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक फल माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार पका हुआ बेल मधुर, रुचिकर, पाचक तथा शीतल फल है। कच्चा बेल फल रूखा, पाचक, गर्म, वात का, कफ व आतंक रोगों में लाभकारी है। बेल का फल ऊपर से बेहद कठोर होता है, इसे नारियल की तरह फोड़ना पड़ता है। अंदर पीले रंग का गूदा होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में बीज होते हैं। इसका गूदा वो लसदार और चिकना होता है लेकिन खाने में हल्की मिठास लिए होता है। इसके ताजे फल का सेवन भी आप कर सकते हैं और इसके गुदे को बीज हटाकर भी आप सेवन कर सकते हैं और सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर भी आप सेवन कर सकते हैं और इसका मुरब्बा भी आप खा सकते हैं। ये भी बहुत फायदेमंद है। इसके जो फायदे हैं जैसे कि उदर के विकारों में बेल का फल रामबाण दवा है। पेट के जो रोग हैं उसमें बेल का फल बहुत ही फायदेमंद है। वैसे भी बहुत सारे रोगों का जड़ उदर विकार ही है और बेल के फल के नियमित सेवन से कब्ज की जिसे समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाती है, तो कब्ज के रोगियों को इसके शरबत का नियमित सेवन करना चाहिए, ये काफी फायदेमंद है। और मधुमेह के रोगियों को बेल फल का सेवन करना चाहिए। आप बेल की पत्तियों को पीस कर उसके रस का सेवन दिन में दो बार करें, इससे डायबिटीज की बीमारी में काफी राहत मिलती है और काफी फायदा भी मिलता है। और जिनको अनीमिया की समस्या
है यानी रक्त अल्पता की। जो रोगी हैं वो पके हुए सूखे बेल की गिरी का चूर्ण बनाकर गर्म दूध में मिश्री के साथ एक चम्मच पाउडर प्रतिदिन लेने से शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है और साथ ही उनकी अनीमिया की समस्या खत्म हो जाती है। गर्मियों में प्राय अतिसार की वजह से पतले दस्त होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कच्चे फल को आग में भूनकर इसका गूदा रोगी को खिलाने से फौरन लाभ मिलता है और दस्त बंद हो जाता है। और गर्मियों में जैसे लू लग जाती है तो लू लगने पर बेल के ताजे पत्तों को पीसकर मेहंदी की तरह पैर के तलवों में अच्छी तरह से मलें। इसके अलावा सिर, हाथ और छाती पर भी इसका मालिश करें और मिश्री डालकर इसका शरबत भी बनाएं और इसे पिलाएं। इससे तुरंत राहत मिल जाएगी। बेल का रस पीने से बहुत फायदे हैं। इससे दिल से जुड़ी बीमारियों में भी सहायक मिलती है। बेल का रस तैयार कर लीजिए और उसमें कुछ बूंदे घी के मिला लीजिए। इस पेय को हर रोज एक निश्चित मात्रा में लीजिए। इसके नियमित सेवन से दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव होता है और इसके अलावा बेल का जो फल का जो रस है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी सहायक होता है। बेल का रस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। बेल के रस को आयुर्वेद में दस्त के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। आप इसे गुड़ या चीनी के साथ मिलाकर पी सकते हैं और ये काफी ठंडा होता है। आप इसे गर्मी के दिनों में ठंडक लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल के रस को शहद के साथ मिलाकर पीने से एसिडिटी में भी राहत मिलती है और अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो भी इसका सेवन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। गर्मी के लिहाज से ये एक बेहतरीन पेय है। एक और जहां ये लू से सुरक्षित रखता है वहीं शरीर को अंदर से ठंडक देने का भी काम करता है। प्रेगनेंसी के बाद नई माओं के लिए भी ये फायदेमंद है। अगर आप एक नई माँ है तो प्रेगनेंसी के बाद आपके लिए बेल का रस पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। ये माँ के स्वास्थ्य को बेहतर करने में तो सहायक है ही, साथ ही ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है यानी कि दूध की वृद्धि करता है। यानी ये उन माओं के लिए बहुत अच्छा है जिन माओं के दूध नहीं बनते हैं, तो वो बेल के शरबत का सेवन जरूर करें। इससे आपको काफी फायदा होगा। कैंसर से बचाव के लिए भी इसे काफी अच्छा माना जाता है। नियमित रूप से बेल का रस पीने से ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका कम हो जाती है। ये महिलाओं के लिए खास उनके लिए ही काफी अच्छा है। इसके अलावा ये खून को साफ करने के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। बेल के रस में कुछ मात्रा गुनगुने पानी की आप मिला लीजिए और इसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद डाल लीजिए और इस पेय को नियमित सेवन कीजिए। इससे आपका खून साफ हो जाएगा और काफी फायदा भी होगा। और अगर किसी को बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है तो उसके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। बेल की पत्तियों का काढ़ा बना करके उसका सेवन कीजिए। यदि किसी को मधुमक्खी, वर या ततैया ने काट लिया है तो उससे जलन होती है, तो उस जलन को मिटाने के लिए भी आप ऐसी स्थिति में काटे गए स्थान पर बेल पत्र का रस लगा सकते हैं। इससे राहत मिलेगी। हार्ट के रोगियों के लिए भी बेल पत्र का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद है। बेल पत्र का काढ़ा बनाकर पीने से हृदय मजबूत होता है और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। श्वास या अस्थमा के रोगियों के लिए भी ये अमृत के समान है। बेल पत्र का काढ़ा काफी फायदेमंद है और बेल पत्र की पत्तियों का रस पीने से श्वास रोग में भी बहुत ही फायदा मिलता है और शरीर में गर्मी बढ़ने पर और अगर मुंह में गर्मी के कारण छाले हो जाएं तो बेल की पत्तियों को मुंह में रखकर चबाने से उनसे काफी लाभ मिलता है और छाले जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। और अगर किसी को बवासीर की समस्या है, बवासीर आजकल एक आम बीमारी हो गई है और खासकर खूनी बवासीर तो काफी बड़ी परेशानी वाली रोग है, तो ऐसे में बेल की जड़ का गुदा पीसकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को सुबह शाम ठंडे पानी के साथ लें। यदि पीड़ा अधिक है तो दिन में 3 बार लें। इससे बवासीर में फौरन लाभ मिलता है। यदि किसी कारण से बेल के जड़ उपलब्ध ना हो सके तो कच्चे बेल फल का गुदा, सौंफ और सौंठ मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर सेवन करना भी लाभदायक होगा। ये प्रयोग आपको कम से कम 1 सप्ताह तक करना है। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा और जिन्हें बवासीर की समस्या है वो जरूर इसे आजमाएं। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिसे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में।